हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे। मैं हूं वंदना और स्वागत करती हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल वंदना भारद्वाज पे। तो आज की इस वीडियो में मैं बहुत सिंपल सा उपाय आपके लिए लेकर के आई हूं, जिससे कि आप अपनी स्किन को यंग, टाइट, ग्लोइंग बना सकते हैं, निखार सकते हैं। अगर टैनिंग की भी समस्या है तो उसको भी ये खत्म करती है, और बहुत ज़्यादा ताम झाम में नहीं पड़ेंगे। बहुत फेस पैक बनाने की जरूरत नहीं है, कोई भी बड़ी रेमेडी तैयार करने की जरूरत नहीं है। आपको सिंपली एलोवेरा लेना है, जो कि आप अपने घर पे अगर प्लांट है तो अगर वो वाला लेते हैं तो बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर इन केस देखिए, अब सबके पास ही प्लांट तो उपलब्ध नहीं होगा, जिसके पास नहीं है तो वो मार्केट वाला कोई से भी ब्रांड का जो आपको अच्छा लगता है, जो आपके पास इजिली अवेलेबल है, वो एलोवेरा आप ले सकते हैं और उसे अपनी खूबसूरती के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि ये जो एलोवेरा होता है ना, ये हमारी स्किन के लिए, मतलब जो भी आपकी स्किन प्रॉब्लम्स होती है ना, चाहे से आपको मुहासों की, मतलब पिंपल्स की ज़्यादा समस्या रहती है, या फिर आपको ब्लैक एंड व्हाइट की समस्या है, या फिर टैनिंग की समस्या है, तो हर एक तरह की समस्याओं को ये ख़त्म करता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट भी भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, तो ये आपकी स्किन को यंग भी बनाए रखता है। अगर आपको फाइन लाइन्स, रिंकल्स होना स्टार्ट हो चुके हैं, कोई भी एजिंग साइंस दिखना शुरू हो गए हैं, तो उस केस के लिए भी द बेस्ट चीज़ है। मतलब कहा जाए दूसरे शब्दों में कि 100 जो चीज़ें आप इस्तेमाल करते हो ना अपनी स्किन को निखारने के लिए, तो उन सब को हटा दीजिए और सिर्फ एक एलोवेरा आप रख लीजिए, तो आपको बस उस जो 100 चीज़ों से फ़ायदे नज़र आने वाले थे ना, वो उस एलोवेरा से ही नज़र आ जाएंगे। तो करना क्या है, हफ्ता भर आपको रेगुलरली एलोवेरा को इस्तेमाल करना है। कैसे इस्तेमाल करना है मैं बता रही हूँ। तो देखिए, अगर आपके पास प्लांट है, पहले तो उसी पर बात कर लेते हैं। अगर आपके पास प्लांट है तो आपको क्या करना है कि उसका लीफ लीजिए, जो कांटे हैं उसको हटा लीजिए, अच्छे से वॉश करके आपको बीच में से उसको काट करके दोनों साइड आपको, मतलब जो टुकड़े होंगे आपके उनमें जेल भरपूर मात्रा में होगा, और जो आपकी ऑर्गेनिक चीज़ें हैं ना, घर पे मौजूद चीज़ें हैं, उनकी तो मतलब क्या ही रीस है, सबसे बेस्ट वही होता है। तो आपको क्या करना है, बस सिंपली उसे लेकर के अपने चेहरे पे रब करना है, कुछ नहीं करना है, बस यही करना है आपको, उसको रब करना है डेली आपको, रात को सोने से पहले करना है, मॉर्निंग में उठते ही आपको ये काम करना है। जब आप रात को सोने के टाइम पे इसे रब करोगे तो आप बस रब कीजिए, छोड़ दीजिए, आपको फेस वॉश नहीं करना है। बस थोड़ी ही देर में ये सूख जाता है, फिर आपको फील भी नहीं होता कि आपने कुछ लगाया अभी अपने फेस पे। वैसे ही अगर आपके पास प्लांट नहीं है, आपने कहीं मतलब रेडीमेड वाला एलोवेरा इस्तेमाल कर रहे हो, तो वो भी आपको उसी तरह से लेना है। अगर आप रेडीमेड एलोवेरा जेल ले रहे हो तो देखिए, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया ना कि ऑर्गेनिक चीज़ें जो होती है ना, बिल्कुल प्योर होती हैं, उनमें कोई मिलावट नहीं होती, कोई केमिकल नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे जो आप रेडीमेड इस्तेमाल करोगे तो प्रिजर्वेटिव कोई ना कोई ऐड किया ही जाता है, नहीं तो इतने दिन तक एक डिब्बे में पैक कैसे वो रह पाएगा, है ना, सोचने वाली बात होती है। नहीं, दावा तो करती है कंपनीज की 100% प्योर है, लेकिन नहीं होता ये, मतलब हम खुद सोच सकते हैं कि नहीं हो सकता, जो चीज़ हो ही नहीं सकती तो उसके झूठे दावों पे हम कैसे बिलीव करें। तो आप इसके, मतलब इसके गुण और भी ज़्यादा बढ़ जाएं, ताकि ये भी हमें जैसे हमारा ऑर्गेनिक घर पे मौजूद एलोवेरा है उसकी तरह फ़ायदा दे। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि इसमें एक विटामिन ई का कैप्सूल ऐड कर सकते हैं, और उसे आप अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए, हाथ पे ही आप कर सकते हो, आपको एक्स्ट्रा में बाउल वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं रह जाती है। हाँ, अगर वैसे करना है तो आपकी इच्छा है, लेकिन हाँ, शॉर्टकट देखिए, हम शॉर्टकट मेथड्स में ज़्यादा बिलीव करते हैं, हम इंडियंस ज़्यादा तामझाम में नहीं पढ़ते। अगर तामझाम में पढ़ने लगते हैं तो फिर आलस आ जाता है, छोड़ देते हैं। तो उससे बेहतर है कि जो शॉर्टकट तरीका है उसी को फॉलो कर लिया जाए। तो बस इस तरीके से आप अच्छी तरह से मिक्स करके इसे अपने चेहरे पर लगा लीजिए, अच्छे से मसाज कीजिए, और जो आप प्लांट वाला इस्तेमाल कर रहे हैं उससे भी आप अच्छे से मसाज कीजिए, ताकि डीपली वो आपकी स्किन में पेनिट्रेट हो जाए, अंदर तक स्किन में जाए और उसके फ़ायदे आपको देखने को मिले। तो इस तरीके से थोड़ी, मतलब 10-15 मिनट आप रखोगे ना, उसके बाद आपको फील भी नहीं होगा कि आपने कुछ लगाया भी है। हाँ, अगर आपने विटामिन ई इसमें ऐड की है तो अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप कॉटन की हेल्प से थोड़ा थोड़ा वाइप ऑफ कर सकते हैं, और मॉर्निंग में ही फिर आपको फेस वॉश, जैसे भी आप अपना चेहरा धोते हो उससे अपना चेहरा धोना है। लगातार आप हफ्ता भर ये काम करके देखिएगा, मेरे बोलने से आपको जरूर अपनी स्किन में डिफरेंस नजर आएगा। टैनिंग की समस्या को ये कम करता है, मतलब ये मान के चलिए कि आपकी 100 प्रॉब्लम्स हैं, कोई भी स्किन प्रॉब्लम है आपको 100 तरह की, तो एक एलोवेरा आपका काफ़ी है उन सब की सब स्किन प्रॉब्लम्स को फाइट करने के लिए। मैं तो एलोवेरा जेल को ही अपनी एक मॉइस्चराइजर की तरह भी इस्तेमाल करती हूँ, तो ये आपके लिए स्किन को मॉइस्चराइज भी कर देगा। क्लीन फेस पे ही इस्तेमाल करना है, इस बात का ध्यान जरूर रखें। कोई भी स्किन केयर की चीज़ आप अगर अपने चेहरे पर इस्तेमाल कर रहे हो
तो आपका चेहरा जरूर क्लीन होना चाहिए, क्योंकि गंदे फेस पे अगर आप कुछ भी चीज़ इस्तेमाल करोगे तो वो गंदगी भी आपकी जो पोर्स है उनके अंदर चली जाएगी, फिर उसे निकालना थोड़ा सा और टिपिकल हो जाएगा। तो इसलिए क्लीन फेस जरूर होना चाहिए। एंड अब बात करते हैं, एक दिन आपने ऐसा किया, दूसरे दिन एक चीज़ और मैं आपको बताती हूँ। अगर आप इसमें अगर आपको बहुत ज़्यादा पिंपल्स की समस्या रहती है, जैसे मुझे यहाँ पे पिंपल हो गया था, तो मैंने क्या किया, एलोवेरा जेल के अंदर ही मैंने सिर्फ 3 बार ये चीज़ यूज़ की और देखिए काफ़ी हद तक पिंपल अभी ख़त्म हो चुका है, बस अब थोड़ा थोड़ा बहुत दाग रह जाएगा। तो उसको भी अगर रेगुलरली मैं इसे इस्तेमाल करूंगी, हफ्ता भर, 2 हफ्ता भर, जब तक ये जाएगा नहीं, तो ये बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएगा, जैसे मेरे फेस पे कोई दाग धब्बा था ही नहीं और कोई पिंपल था ही नहीं, ऐसा होता है। तो आपने क्या करना है कि चुटकी भर हल्दी बेस्ट रहता है कि आप वाइल्ड टर्मरिक मतलब कस्तूरी हल्दी या फिर अम्बा हल्दी ये इस्तेमाल में लाएं। अगर फिर से अगर आपके घर में आप खुद ऑर्गेनिक हल्दी है, अगर आपने लगा रखी है बूटा कहीं पर भी, तो वहाँ से अगर आप लेते हो तो वो तो बहुत गुणों से भरपूर होती है, मतलब उसमें कोई मिलावट नहीं, कोई मतलब चक्कर ही नहीं है। अगर उसे आप इस्तेमाल करते हैं, बिलीव मी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है। 2-3 बार भी अगर आप उसे इस्तेमाल करोगे ना, तो आपकी ये जो पिंपल्स वाली समस्या है ना, जड़ से ख़त्म हो जाती है। हाँ, ना सिर्फ आपको सिर्फ बाहर से एक्सटर्नली ही एलोवेरा हल्दी लगाने पे फोकस करना है, इंटरनली भी इम्प्रूव करना है अपनी स्किन को, अच्छी तरह से हाइड्रेट रखना है स्किन को, खूब सारा पानी पीना है, फ्रूट्स खाने हैं, जूसेस पीने हैं, पर ऐसे जूसेस नहीं जिसमें कि शुगर मिक्स हो, तो वो आपके मोटापे को बढ़ा देगा, तो थोड़ा सा ध्यान तो जरूर रखिएगा। एंड सब्जियाँ, रॉ वेजिटेबल्स आप खाइए तो आपकी स्किन और भी ज़्यादा अच्छी होती है। इंटरनली जब कोई भी चीज़ कंज्यूम कर रहे हो ना, तो उसका बेनिफिट आपको ज़्यादा होता है। हाँ, एक्सटर्नली बहुत बार ऐसे कमेंट किए जाते हैं कि हमें तो बेनिफिट मिल नहीं रहा है। हाँ, अगर आप बाहर से ही लिपापोती करते जाओगे, लगाते रहोगे, लेकिन इंटरनली आपकी बॉडी में इन सारी चीज़ों की कमी है, तो देखिए कुछ नहीं होने वाला है, कुछ भी कहीं पर भी ना आपके वो पिगमेंटेशन खत्म होने वाली है, ना आपके पिंपल्स जड़ से खत्म होने वाले हैं। ऑयली फूड तो मतलब एक जहर का काम करता है हमारी पूरी बॉडी के लिए। मैं अभी इन सब चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से स्टडी कर रही थी, क्योंकि हस्बैंड को मेरे को अभी इनको बीपी की प्रॉब्लम चल रही थी, कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ था, तो हमने मतलब ये सब चीज़ें बहुत डीपली स्टडी की कि अच्छा वो कैसे रहा है, खान पान की वजह है, क्या है, क्या प्रॉब्लम है। तो खान पान, जबकि हम तो गाँव के एरिया के हैं, तो ये फास्ट फूड ये सब चीज़ें एक तो मिलती भी यहाँ पर इतनी ज़्यादा नहीं है, हाँ मार्केट जाना पड़ता है, कभी जाते हैं तब जा कर के खा पाते हैं, तो यहाँ पर मतलब जो विलेज एरिया होता है बहुत कम लोग इस तरीके की चीज़ें खाते हैं। हाँ, ऑयली फूड जरूर खा लेते हैं, तो उस पर भी अगर कंट्रोल किया जाए तो बहुत सारी समस्याओं को ये ख़त्म कर देता है। तो वेजिटेबल्स, रॉ वेजिटेबल्स, आपकी ये फ्रूट्स हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होते हैं, तो कोशिश करनी चाहिए कि खूब क्वान्टिटी में आप इन्हें खाइए, इतना अनाज पर मतलब आप फोकस ना करें जितना कि इन पर फोकस करें, तो स्किन भी अच्छी हो जाती है, बाल भी अच्छे हो जाते हैं, बॉडी भी आपकी हेल्दी रहती है, किसी भी तरह की बीमारियां भी नहीं लगती। तो ऐसा है, बाकी मेरे बोलने से आप एक बार ट्राई कीजिएगा एलोवेरा को, डेली आप अपनी स्किन केयर रूटीन में शामिल कीजिए, आपको बहुत बढ़िया बेनिफिट मिलेंगे। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइएगा। बाकी इसी तरह के और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ मैं आपके लिए लेके आती रहती हूँ, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, थैंक यू।